बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। बागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। बागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे, ठीक ही तो कह रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है, इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है, बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूँ, निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे वरना एक एक गले चीर देता मैं। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। अच्छा, तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ढूंढ लो इसे। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। दुबे नाम है सत्यवादी, सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। अब वो कसम याद करो जो तुमने खाई थी ये वर्दी पहनने से पहले। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले, इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है
उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो। ये तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया है इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से यह अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहां किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे, तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले, इसके भी कपड़े उतार डालो। के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले तीन बार, होश में आने के बाद तीन बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रलयनाथ। आज से तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। अबे चुप, एक लफ्ज भी आगे बोला तो भून के रख दूंगा। तू मारेगा मुझे?
चल चला, अब क्या सोच रहा है? चला गोली, अपनी मां का दूध पिया है तो चला गोली। इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, तेरे जैसा बुजदिल और नामर्द मुझ पे क्या गोली चलाएगा? चला। पुलिस अफसर पर गोली चलाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूं। प्रहलनाथ जरा भी हिले तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। अगले, मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर आप चाहते क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहे और हम चुपचाप देखते रहें? पहले डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई, फिर अली मारा गया, आज इस प्रहलनाथ के पिल्ले ने मुझ पर गोली चलाई। ये देखिए, अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ जाता। लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था। इसके खिलाफ सारे सबूत मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। सवाल था उंगलियों के निशान का, जो इस रिवॉल्वर पर मौजूद है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, अनिता चौधरी का कातिल और राधा टंडेल से शरीर संबंध रखने वाला यही है रसिकनाथ। डीआईजी के बेटे संजय को फंसाया है क्योंकि वो अपने बाप के कातिल का चश्मदीद गवाह है। वागले, अब हम इसे उस अस्पताल में ले जाएंगे जहां इसके अंदर के छुपे हुए राज एक बीमारी की तरह बाहर आ जाएंगे। जो दुश्मन यहां बांधा गया समझो उसकी अर्थी उठ गई। हमारा यह हथियार आग उगलता है। जो कुछ हमने पूछा अगर उसका जवाब तुमने सच सच नहीं दिया तो ये हथियार तुम्हें जला डालेगा। मगर आप चाहते क्या हैं? प्रलयनाथ गिरना स्वामी तुम्हारा बाप है। हाँ जी हाँ जी। और अब वही इस देश को खत्म करने की तैयारियां कर रहा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। मेरे बाप का अगला प्लान क्या है? मुझे छोड़ दो। मुझे मेरे बाप से कोई नजर नहीं है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। मेरे बाप का अगला प्लान है कि प्रोफेसर खुराना को किडनैप करने वाला है। डैडी, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे बचा लो डैडी, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रलयनाथ, वो रहा तुम्हारा कबूतर बेटा और उसके गले में है जला देने वाला बम। उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। काफी हो गया, ये तमाशा बंद करो प्रलयनाथ। हाँ हाँ डैडी, आप वो ही करिए जो ये कहते हैं, वरना ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। क्या चाहते हो तुम? क्या मजेदार सवाल किया है तुमने, समझे नहीं? प्रोफेसर खुराना को वापस करो और अपने इस कबूतर बेटे को यहां से लेकर रफू चक्कर हो जाओ। ब्रिगेडियर, वो फ्यूज कंडक्टर आप नहीं जानते? हम सब कुछ जानते हैं प्रोफेसर, उसकी गाड़ी में हमारा ट्रांसमीटर लगाया जा चुका है। वो जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी करेगा, जहां कहीं भी जाएगा उसकी हर एक मूवमेंट की खबर हमें मिलती रहेगी। हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल बता रहा है कि गिड्डा स्वामी का अड्डा वो ये रहा, ये से बाहर
एक वीरान जगह पहाड़ियों के बीचों बीच है। कमांडोस रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा। अंडरग्राउंड गार्ड्स रेडी फॉर अटैक। भड़वों से कह दो कि हथियार फेंक दे, जरा भी हरकत की तो छितड़े उड़ा दूंगा। हथियार फेंक दो। हम तो समझे थे कि तुम जंग बाजों की तरह जंग लड़ोगे, लेकिन तुम तो एक घटिया किस्म के भगाड़े प्यादे निकले, अधूरे में ही हथियार डाल दिए। प्रलयनाथ कभी कोई जंग अधूरी नहीं लड़ता। ब्रिगेडियर देखना चाहते हो तो देखो। देखा अगले, अब हथियार नीचे डालने की बारी तुम्हारी है। डाल दो हथियार। ब्रिगेडियर हथियार नीचे डाल दो। बगले साहब, यही है मेरे पिताजी का कातिल, इसी ने मेरे पिताजी का खून किया, यही है कातिल। बगले साहब मत छोड़ना इसे। हाँ हाँ, मैं हूं तेरे पिता का कातिल, और आज तुम सबका कत्ल भी मेरे हाथों से ही होगा। बगले, तुम्हारी गर्मी को ठंडा करने का सामान भी मैं साथ लाया हूं, वो देखो। खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, एक ही बटन दबाऊंगा सबको राख कर दूंगा। अगर देखना चाहते हो तो ये देखो। देखा ब्रिगेडियर, मेरी जंग की शुरुआत और इसकी इंतिया होगी तुम्हारी बर्बादी और हिंदुस्तान का खात्मा। हिंदुस्तान का खात्मा? हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। और फिर तुम जैसे गेंडे की शक्ल की औकात ही क्या? मेरी औकात का पता तो तुम्हें आज ही चलेगा ब्रिगेडियर। मैं भी देखता हूं इन शेर के जबड़ों में कितने दांत हैं।
नमस्कार शिवाजी राव वागले। आओ आओ हिजड़े की औलाद, तेरी कमी थी। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे मंत्री आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। वाह पुराने नाथ जी वाह, क्या खूब मिलाई है इन दो देशभक्तों की जोड़ी, जो आज देश के नाम पर एक साथ शहीद हो जाएंगे। कई शहीद होते आए हैं और कई शहीद होते रहेंगे अपनी धरती माँ को बचाने के लिए, लेकिन तुम जैसे लोग जो अपने आप को ही नहीं अपनी माँ को भी दौलत की खातिर बेचते आए हैं, और उनका अंजाम एक गुमनाम लाश की तरह होगा जिसे गिद्ध और चीले नोच नोच कर खा जाएंगे। नोच नोच कर तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे। मैंने फैसला किया है, आज 15 अगस्त के दिन मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा। आज वो दिन हमारे और तुम्हारे सामने है। ध्वजारोहण को अब सिर्फ 24 मिनट बाकी है, और 25वें मिनट में क्या होगा वो तुम सब अपनी आंखों से देखना। प्रलय वन आउट, रेडी फॉर टारगेट। देखा ब्रिगेडियर, यह है मेरी जंग की शुरुआत। अब तुम सबके सामने ये मेरे तीनों मिसाइल्स ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ कमांड को खत्म करेंगे, और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत का झंडा लहराएगा और इस देश की बर्बादी तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। ये देखो, खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। तुम दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो दोनों कैबिन रिमोट कंट्रोल से उड़ा दूंगा। खबरदार, हिलो नहीं, भून कर रख दूंगा। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर कहीं भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते गेंडा स्वामी। जलकर राख कौन होगा, इस बात का पता तुम्हें अभी चल जाएगा ब्रिगेडियर। प्रलय वन स्टार्ट। Thank you.
तीसरा सब मिसाइल चालू कर दो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन पता नहीं क्यों एक भी मिसाइल टेक ऑफ नहीं हो रहा। गार्ड्स, इसका टेक ऑफ कर दो। हमारा वो पाइप डायनामाइट से भरा हुआ था। हम जानते थे कि तुम कभी ना कभी हमारे हाथ से छीन कर उसे फेंकोगे। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम। गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। भून डालो इसे। शिवाजीराव बागले, मराठा। मराठा मरता है या मारता है। याद है मैंने तुझे एक दिन कहा था यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा। भाग रहे हो जानी? प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले मंत्री, ब्रिगेडियर का सलाम नहीं लोगे? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम जैसा गद्दार और कहता है मुझे। Come here!